हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूजी में जो एडमिशन पेमेंट होता है आप वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है चांसलर पोर्टल की वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा लॉगिन सेक्शन। लॉगिन सेक्शन में आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा। लोडिंग होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फी का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन और एडमिशन पे ऑप्शन आएगा। आपको एडमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्म, आपका जो फॉर्म फिल किया था आपका फॉर्म नंबर आ गया, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है वो आ गया, और यहाँ पे एक कतरास कॉलेज कतरास, जो कि मैं उस कॉलेज से अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे नीचे उसका जिस कॉलेज से आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेमेस्टर वन है और अप्लाई डेट है। तो आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा। पेमेंट सेक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी दिख रहा है आपको, कितना अमाउंट दिख रहा, शो कर रहा है। यहाँ पे आप चाहे यूपीआई थ्रू या फिर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप एनईएफटी किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।